संजय, जो प्रोफेसर छोकर कह रहे हैं, ये जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है, ये मैच फिक्सिंग हो रही है क्या? मतलब दोनों तरफ से आप तेलंगाना के घोषणा पत्र देख लो, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, और अभी आने वाला लोकसभा चुनाव भी होगा जी। अनाज दे देंगे मुफ्त, बिजली दे देंगे मुफ्त, शिक्षा दे देंगे, बस किराया माफ कर देंगे, इतनी पेंशन दे देंगे, महिलाओं को इतने पैसे दे देंगे। ये क्या दरअसल एक निहित स्वार्थ है राजनीतिक दलों का कि तुम ऐसे ही बने रहो? अरे भाई, आमदनी बढ़ा दो, रोजगार दिला दो, साधन संपन्न बना दो, ये देने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये एक विशेष सर्कल बन गया है क्या? संदीप, आपने कहा विशेष सर्किल बन गया है, सच में विशेष सर्किल है। लेकिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, आमदनी बढ़ा दो, रोजगार दिला दो, शिक्षित कर दो, ये सारे जरिए हैं। मुझे लगता है कि रास्ता इसी से होके जाना चाहिए, लेकिन रास्ता इतना लंबा होता है कि अगर आप, मैं जनता के नजरिए से देखूं, वोटर के नजरिए से देखूं, तो वोटर को लगता है कि चलो स्कूल खुल गए, अब शिक्षित होंगे हमारे बच्चे, नौकरी मिलेगी और फिर उनकी आमदनी बढ़ेगी, या कोई रोजगार के अवसर आए, कोई फैक्ट्री लगी, रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो वो रास्ता लंबा है, तो जनता भी को भी लगता है कि जो क्विकली उनको कुछ मिलता है, और पार्टियां इस चीज को समझती हैं, पार्टी चलाने वाले लोग कौन है, नेता कौन है, नेता हम जैसे हम और आप जैसे लोग ही तो है, सोच में कोई बहुत बड़ा तो अंतर है नहीं। तो उन्हें लगता है कि जनता भी यही चाहती है कि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड नहीं, हमें कुछ क्विक चाहिए, हमें इंस्टेंट कल क्या नूडल वाला मिलेगा, जमाना अगले है। महीने क्या मिलेगा और उसके अगले महीने क्या मिलेगा। तो हाँ, तो पार्टियों को भी लगता है कि ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करना संभव है, नहीं संभव है, अगर कोई कोई इंडस्ट्री लग भी गई, उसका तुरंत फायदा तो मिलेगा नहीं। तो ये चीजें बराबर लगातार बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ इन चुनाव को नहीं, इसके पहले के चुनाव को भी अगर आप संदीप देखें और उसको कंपेयर करें, तो जिसको आप फ्रीबीज कह रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स कह लीजिए, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। हर पार्टी इसके, अगर आप सरकार में नहीं है तो आप गारंटी कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप सरकार में हैं तो इन स्कीम्स को लेकर के आप आ रहे हैं। आपने वो क्रिकेट वाली भाषा में कहा था कि कुछ शब्द का इस्तेमाल किया मैच था, फिक्स हो रहा है। मैच, हाँ मैच फिक्सिंग, नहीं मुझे लगता है मैच फिक्सिंग ये 12th man है, कि अगर आपको लगे कि भाई कोई आपका खिलाड़ी फील्डिंग के समय कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है, तो उसको किसी बहाने आप मैदान से बाहर करो और आपका जो 12th man जो अच्छी फील्डिंग कर सकता है उसको वहां फील्ड में उतार दो। तो ये 12th man के जैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। पार्टियों को जब लगने लगा है कि आपके जो नॉर्मल विकास के कार्य हैं इसके बदौलत आपकी जीत सुनिश्चित नहीं है, तो आप इसको 12th man के जैसा उतारते हैं। या और दरअसल अब एक तो ऐसा निहित, होने लगा है कि संजय, एक निहित स्वार्थ भी है जो क्या? तमाम राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूं कि जनता थोड़ी गरीब रहेगी, थोड़ी अशिक्षित रहेगी, उनको छोटा मोटा कुछ दे देंगे चुनाव के वक्त पर और वो आ जाएंगे हमारे पाले में। ये एक निहित स्वार्थ तो नहीं काम कर रहा? देखिए, सीधा सीधा संबंध तो मैं नहीं देखता, मैं नहीं सोचता कि मतलब सारे राजनेता, कुछ पार्टियों में कुछ ऐसे होंगे जिनकी ऐसी सोच होगी कि भाई जनता को कुछ तो कम देना है जिससे उनकी उम्मीद बनी रहे और वो हमारे नहीं, तरफ कम देना देखते रहे। नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।